सबसे पहले बात करते हैं महोबा के, जहां का जिला अस्पताल पानी में डूबा हुआ है। पूरे अस्पताल घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया कि तब जाकर प्रशासन की नींद टूटते हुए नजर आई है, जहां डीएम ने बरसते पानी में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था और इसी के चलते भाजपा के सदर विधायक दो हफ्ते से पानी में डूबे जिला अस्पताल को देखने के लिए पहुंच रहे, जहां जनप्रतिनिधियों की नाकामी पर बेबाक ढंग से बोलते हुए नजर आए। यहां की जनता बहुत सीधी है, वरना संसद विधायक और को पानी में खींच लाती। सुनिए भाजपा विधायक के बोल। इस पे तो बहुत जल्द कार्य होना चाहिए, ये वर्षों दो तीन वर्ष पिछले से चल रहा है और अभी थोड़ा सा ही पानी में दो बार घुटनों तक पानी भर गया है, जो कि अस्पताल की सेवा बहुत बाधित हो रही है। ऐसे में तो तुरंत कार्रवाई करके जो है इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। भैया ये बताइए, विधायक जी का आवास है जो जिला चिकित्सालय से 500 मीटर की दूरी पर है, विधायक जी दो दिन बाद पहुंच रहे हैं, ये कैसी उदासीनता है? इनको तो तत्काल पहुंचना चाहिए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं मरीजों को, क्या कैसी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, है ऐसी महामारी में इतने दिन बाद पहुंचना इनका, तो अपने आप में ये प्रश्न लगाता है कि जागरूक नहीं है जनता के प्रति, समस्याओं के प्रति विधायक जी। और हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ फिलहाल पूरा मामला बताया जा रहा है, अभी अस्पताल की किस तरह की स्थिति है, जबकि जिम्मेदार वहां का निरीक्षण कर चुके हैं, जायजा ले चुके हैं, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? अजय अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? फिलहाल अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महोबा जिले की, जहां आपको बता दें कि जिला अस्पताल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी पानी हो रखा है, पानी में डूबा हुआ है अस्पताल, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि कई तरह की बीमारियां यहां पनपेगी, क्योंकि मरीज अपना इलाज कराने आते हैं लेकिन जो मरीजों के परिजन मरीजों के साथ आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी ये परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर रुक करते हैं अपने संवाददाता अजय अनुराग का। अजय अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है, किस तरह की इस तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जबकि वहां सारे जिम्मेदार निरीक्षण भी कर चुके हैं और जायजा ले चुके हैं। जी बता दूं, लगातार जो है प्रशासन और राजनीति में हिस्सेदारी रखने वाले सांसद विधायक लगातार उस रिश्ते पे आते हैं। वही अस्पताल जिले का एक लाडला अस्पताल है, जहां पर हजारों मरीज प्रतिदिन जो है ओपीडी में पर्चे बनते हैं, दाखिल होते हैं, उनको भर्ती किया जाता है, लेकिन आज इस बरसात के सीजन में लगातार जो इसी प्रकार की घटना, ये मामला रहता है, वो अस्पताल में पानी भरता है, वैसे भी लगातार कोरोना की जो है बढ़ते मरीज नजर आ रहे हैं, और इन स्थिति को देखते हुए हमारे डीआईजी कमिश्नर डीएम लगातार उसको मौका माना करते हैं, हर साल मौका माना करते हैं, कई सरकारें आ गई कई सरकार चली गई, फिर भी आज तक अस्पताल की ओर किसी सरकार ने, किसी जिला के जिम्मेदार अधिकारी ने, किसी जिला के विधायक सांसद ने वहां तक नजर उठा के नहीं देखा गया कि अगर अस्पताल को जो है किस प्रकार से निजात दिलाया जाए और किस प्रकार से इस जिले की जनता को जो है रियायत दी जाए। अजय अनुराग, अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान की तस्वीर क्या कुछ है? जब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया तब जिम्मेदारों की नींद टूटी और ऐसे में जिम्मेदार वहां जाके निरीक्षण किया और बहुत तरह की बड़ी बड़ी बातें की गई कि यहां पर लगातार निरीक्षण किया जाता है और जल्द ही इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल की मरम्मत की जाएगी। अभी क्या कुछ है, क्या अभी भी हाल जस के तस बने हुए हैं, पानी इसी तरह अस्पताल में भरा हुआ है? जी लगातार जो जब से ये अस्पताल की खबर मीडिया में उछाल ली है, तब से आज भी मंडल के कमिश्नर उस दौरा करने, मौका मुआयना करने आए हैं, और अस्पताल में जो नाला, जो बड़ा नाला था, जो नाला चोक हो जाता था जिसके कारण चोक होने के कारण अस्पताल में पानी भरता था, उस अस्पताल के मैन गेट के नाले को खोद के डाल दिया गया है और उस पर काम चल रहा है, और पूरे जिले के अधिकारी, पूरा मंडल का अधिकारी आज अस्पताल की देरी पर दस्तक दे रहा है। तो अजय अनुराग, जब पानी भरा था अस्पताल में तो जाहिर सी बात है कि मरीजों में हताहत और निराश वाली भावना तो देखी गई होगी और आक्रोश भी होगा, लेकिन क्या जिम्मेदारों ने खुद आके वहां पर सुध नहीं ली थी? जब कोई ट्वीट करेगा, जब कोई बताएगा उनके पास अवगत आके, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिला अस्पताल में पानी भर गया, वहां मरीज अपना इलाज करवाएंगे या अपने परिजन जो उनके साथ आ रहे हैं उनका इलाज करवाने के लिए वहां वो लोग देखेंगे? जी जब अस्पताल में पानी भरता है तो अस्पताल में पानी भरने के साथ साथ जो शहर के जो है सांप है, बिच्छू है, उन कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े
उस उन बेडों पर चढ़ जाते हैं और अस्पताल में जो तामीरदार भी होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, उनको देख के भयावह हो जाते हैं और अस्पताल से भागने का मन करते हैं। अस्पताल में जो बीमार होता है वो देखते ही बीमार हो जाता है, और जो तामीरदार होते हैं वो उस समय अपनी जान बचाने के लिए, उन जहरीले जंतु से बचने के लिए भाग जाते हैं और उनका मरीज जो है अस्पताल में पड़ा रहता है। अजय अनुराग, ये क्या पहली बार इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है या इससे पहले भी इस तरह के मामले और इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ चुके हैं? इस तरह के ये मामला जो है आज का नहीं है, कई साल कई साल सरकारें आई हैं, कई साल सरकारें चली गई, लेकिन किसी सरकार ने आज तक जो उस अस्पताल की ओर नजर नहीं मिला के देखा। मतलब साफ तौर पर कहा जाए कि इस तरह के मामले पहले से ही जिम्मेदारों के संज्ञान है, लेकिन पलीता लगा दे जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही निकलकर सामने आती है। अजय, एक्चुअली में क्या सही बात है कि अस्पताल में भी काफी धन सरकार से मुहैया होता है, अस्पताल के रखरखाव के लिए पैसा आता है, रुपया आता है, करोड़ों रुपया आता है, लेकिन अस्पताल के जो मुख्य सीएमओ है, मुख्य सीएमएस है, जिलाधिकारी महोदय है, एसडीएम अधिकारी है, ये कभी जो है उस धन को रफा दफा करने में लगे रहते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था को देखने के लिए, बनाने के लिए कोई किसी प्रकार का कदम नहीं उठाते। अजय, इस अस्पताल में और किस तरह की अभी फिलहाल अनियमितता पाई जा रही है? मरीज लगातार अभी भी जो है वहाँ पूरी गंदगी पड़ी रहती है, पानी भर जाता है, जब पूरा पानी आता है शहर का तो पूरा। अजय, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सदर विधायक महोबा से जुड़ गए हैं राकेश गोस्वामी। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, महोबा का एक जिला अस्पताल है जो पानी में डूबा हुआ है, जाहिर सी बात है कि आपके संज्ञान में आ गया होगा, लेकिन प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद कुछ जिम्मेदार वहां अस्पताल गए और बड़ी बड़ी बातें की कि यहां की जो जनता है बहुत भोली है, शिकायत नहीं करती और इस तरह की, लेकिन जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बात अगर अभी वर्तमान स्थिति की जाए तो कहीं ना कहीं तस्वीर वही निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये आप जो पूछ रही हैं मुझसे, उसमें ये अटेंडम ज्यादा बारिश होने की वजह से उसमें पानी आ गया था अस्पताल में, ऐसा नहीं है कि उसमें अस्पताल में पानी भरा हुआ है, अस्पताल में गंदगी भरी हुई है। मैंने स्वयं जाके मौके का निरीक्षण किया हुआ था और ना मैंने ये शब्द कहे थे जो आप मुझसे कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अटेंडम ऐसा था जिसके पहले, मेरे विधायक बनने के पहले, ये रोड पर पानी का भरा होता था, बरसात हो जाने पर रोड पर पानी का भरा होता था, उसकी वजह से कुछ पानी अस्पताल में और रोडवेज जो उसमें बना हुआ उसमें चलाया जाता था। इस बार रोड हमने ये नालियां बड़ी करवा दी थी, चौड़ी करवा दी थी, तो अब रोड का जल भराव खत्म हो गया है। इस बार तेज बारिश होने की वजह से अस्पताल में बाहर का पानी अंदर पहुंच गया था, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम 2-3 घंटे की भी हो गई थी। राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीर हमारे पास निकलकर सामने आई है और जिसे आप थोड़ा सा पानी कह रहे हैं, वो थोड़ा नहीं, पानी इतना भर गया अस्पताल में, थोड़ा बहुत पानी समझ में आता है कि बारिश हुआ या फिर बाहर का पानी अंदर आ गया, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें अस्पताल डूबा हुआ है और जिस तरह से संवाददाता ने हमारा जायजा लिया है उस क्षेत्र का, तो वहां साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहली बार का मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, क्यों अभी तक लापरवाही बरती जा रही थी? आप सुनेंगे कि नहीं? आप सुनना चाहती हैं कि सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहती हैं? राकेश गोस्वामी जी, आरोप नहीं लगा रहे, आपसे सिर्फ बात की सवाल किया जा रहा है कि अभी जब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया तभी क्यों जिम्मेदारों की नींदें टूटी, उससे पहले क्यों संज्ञान में नहीं लिया गया मामला, जबकि पहले भी हो चुका है ऐसा? आदरणीय, पूरी बात आप अच्छे से क्वेश्चन करेगी जवाब मिलेंगे, बताएं आप अपना जवाब। नहीं तो आप सिर्फ बोलती चली आ रही है, दूसरे पक्ष को आप सुनना ही नहीं चाहते। राकेश गोस्वामी जी, आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि लापरवाही बरती जा रही थी, अब जाकर संज्ञान में क्यों लिया, अब क्यों आपकी नींद टूटी है? आप लोग दरअसल एंकर्स को एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ आरोप, राकेश गोस्वामी जी, आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते जब तक आप की थाली में खुद छेद होगा ऐसे में, क्योंकि जिस तरह के अभी तक लगातार मामले सामने आए ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने अब जाकर सुध लिया जब प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट आया, उससे पहले क्यों सुध नहीं ली गई थी? स्वागत करता हूँ, आए वो यहाँ कमियाँ बताए, हमारे अस्पताल की कमियाँ बताए, ट्वीट कर देने से या फोटो खींचने से आपकी वास्तविकता सही नहीं हो सकती है। आप जवाब देंगे कि लापरवाही बरती जा रही थी, अब क्यों संज्ञान में मामला लिया गया? आप अस्पताल की फोटो मंगवाएं, अभी की फोटो ही हमारे सामने आई है, हमारे सामने बकायदा वीडियो सामने आया हुआ है, वहाँ अनियमितता पाई जा रही है, ग्रामीणों से भी हमारी बात हुई है, ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई पहली बार इस तरह का मामला सामने नहीं आया, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया, लेकिन विधायक और जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली।
आप लोगों से बात करना ही बेकार है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे बात करना शायद फिलहाल बेकार है, क्योंकि जब जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं होता तो वो हीला हवाली करते हुए ही नजर आते हैं। एक बार फिर रुक करते हैं अपने संवाददाता अजय अनुराग का। अजय, जिस तरह से विधायक ने बदतमीजी की है और विधायक के साफ तौर पर बदतमीजी दिखाई दी है कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं और अपने जो भी सवाल उनसे पूछे गए उस पर वो पलीता झाड़ते हुए नजर आए। अजय जी, लगातार जो है हमारे इस जनपद के जनप्रतिनिधि है, उनसे कभी कोई बात की जाए तो जनहित की बात को लेकर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो दर हमेशा जो है किनारा काटते हैं और उन बातों को लेकर हमेशा जो है किनारे को लेकर कई यहाँ वहां दूसरे पॉइंटों को लेकर बात करने लगते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते हैं। तो अजय, इस दौरान अभी अगर विधायक के अलावा देखा जाए और किस तरह के जिम्मेदार है जिनको शिकायत करा दी गई है और अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, आपने बताया कि अनियमितता पाई जा रही है, ऐसे में ग्रामीणों का किस तरह का रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है? जी, उस समय जब ये स्थिति खड़ी होती है अस्पताल में लगातार के जब बरसात होती है और हल्की छोटी सी बरसात हो जाए तो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, जितना महुआ सदर का पेशेंट है, महुआ सदर के लोग अस्पताल आते हैं, उन सब में ये रहता है कि हमने कहाँ से इन लोगों को वोट दे दिया, कहाँ से इनको जनप्रतिनिधि बता दिए जो हमारी जो समस्या को निदान न कर सकते हैं। अजय, फिलहाल अगर जिम्मेदारों की बात की जाए तो जिम्मेदारों का और किस तरह का रवैया निकल सामने आ रहा है, क्योंकि विधायक जी का तो हमने रवैया देख लिया, किस तरह से ये बात करते हैं और किस तरह से अगर इनके पास कोई शिकायत लेकर भी जाएगा तो किस तरह का ये रिएक्शन देंगे वो तो हमारे सामने आएगा, लेकिन बाकी जिम्मेदारों का क्या कुछ रिएक्शन है? जी, हमारे इस महुआ जनपद में दो विधायक विधानसभा, एक सरकारी विधानसभा है, एक महुआ विधानसभा है। महुआ विधानसभा के ये विधायक है राकेश गोस्वामी जी और ये बसपा शासन काल में, मायावती शासन काल में भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन उस समय भी ये घटना मामला आया था, सपा सरकार में भी मामला आया था, आज भाजपा सरकार है आज भी मामला आया है, लेकिन इतनी सरकारें गुजर जाने के बाद भी ये विधायक भी रहे, आज ही विधायक है, लेकिन आज तक जो है उस जगह इनकी निगाह नहीं जाती जनहित क्या है, जन समस्या क्या है, केवल जन समस्या को ये लोग सुन लेते हैं लेकिन जन समस्या का निदान की बात नहीं करते हैं। और जो भी आता है ग्रामीण क्षेत्र का आता है या महुआ सदर का है, शहर का है, तो बड़ी मीठी बातों से उनको टटका दिया, बोले हाँ आपका काम हो जाएगा और वो जाते ही कहते हैं जाने कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं। अजय, जिस तरह से विधायक से हमारी बात हुई थी तो लगता है कि विधायक के पास ये वीडियो और इस तरह की तस्वीर या फिर ये खबर क्या बोल दिया जाए तो उनके संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि मामला, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे थे कि अस्पताल में थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ और जिस तरह की तस्वीर अभी निकलकर सामने आ रही है, वीडियो साफ तौर पर हम देख रहे हैं और अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आधा अस्पताल पानी में डूबा है और डॉक्टर और मरीज किस तरह से वहां पानी में तैरकर या फिर पानी में अपने आप को आधा डुबाकर काम करने पर मजबूर है और विधायक लगातार ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, थोड़ा बहुत पानी था जिसकी मरम्मत हमने कर ली है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये लापरवाही जिम्मेदारों की दर्शाता है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। जब भी हमने आपको बताया, पहली बार तो बताया कि जब भी कोई जनहित की बात होती, जन समस्या की बात होती है तो ये यहाँ के नेता हमेशा जो है उसको टालने का प्रयास करते हैं और अगला व्यक्ति अगर कोई बिंदु की बात करता है तो उस बिंदु को हटके दूसरे बिंदु के पॉइंट पर बात करने लगता है। अजय, जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीणों की प्रतिक्रिया, ग्रामीणों ने कहा कि हम काफी परेशान हैं और ऐसे में जो अगर हम अपने मरीजों के साथ आते हैं तो हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिम्मेदारों का रवैया हमने भी देखा और आपने भी बताया कि जिम्मेदार किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अब डॉक्टर जो वहां पर काम कर रहे हैं और मुस्तैदी में तैनात है, अभी फिलहाल डॉक्टर्स को कहा जा रहा है कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी जा रही है, कोरोना का दौर है, साफ सफाई का इस दौरान विशेष ध्यान रखना होता है, लेकिन इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आना कहीं भी ये साफ सफाई नहीं दर्शाती है, बाय चांस अगर किसी को कोई बड़ी जनहानि हो जाती है कौन इसका जिम्मेदार होगा? जी, लगातार जो है आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे कोरोना का जो है भयावह स्थिति आती जा रही है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और अस्पताल में वो स्थिति है कि डॉक्टर जो है, जो भी डॉक्टर हम ड्यूटी कर रहे हैं, कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर दूसरे देखता है, नजदीक देखता नहीं, कोई भी देखता है और कहते हैं आप दवा ले जाओ चले जाओ, डॉक्टर खुद इस समय अपने आप को जान बचाने की पड़ी है, डॉक्टर कोई भी हो और जब अस्पताल में स्थिति ये हो तो डॉक्टर क्या करेगा, बड़ी बात है। जय, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर भी क्या करेंगे, लेकिन बात की जाए डॉक्टरों की किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही, क्योंकि मरीजों के साथ साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इस दौरान अस्पताल के पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अजय, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इरफान पठान वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह
कि अभी फिलहाल अगर मौजूदा तस्वीर की बात करें या हालात की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर इस दौरान सामने आ रही है कि महोबा का अस्पताल बीते कुछ दिनों पहले एक बारिश के पानी में डूबा हुआ था। बिल्कुल, ये सूरत हाल महोबा का कोई नया नहीं है। इससे पहले भी महोबा में कई बार ऐसे नजारे देखने को मिल चुके हैं कि पूरा जो जिला अस्पताल है वो तालाब बन जाता है, स्विमिंग पूल बन जाता है। इसको लेकर जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे थे। कई बार जो प्रतिनिधि हैं उनसे शिकायतें की गई, उसके बाद भी इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। लेकिन अब जबकि इस मामले को लेकर पूरी तरीके से हो हल्ला मच रहा है, उसके बाद से थोड़ा सा नजारा बदला है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो जिला प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि है वो चाक चौबंद की व्यवस्थाओं को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है, कोई विशेष अंतर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जी इरफान, जिस तरह से अभी हमारी बात भी हुई थी वहां के जो सदर विधायक है राकेश गोस्वामी जी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जाके आप मौजूदा हालात की जानकारी लें। उनसे सवाल भी किया गया कि जिस तरह से अगर अभी मौजूदा हालात की अगर बात नहीं भी की जाए तो इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ गए, वहां के ग्रामीणों का कहना है, लेकिन वो हीला हवाली करते हुए नजर आए और बदतमीजी पर उतर आए। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब जिम्मेदारों को अवगत कराया जाए तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं महोबा के। देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसको आम जनता सीधा जुड़ाव करती है। हर कोई व्यक्ति जो है स्वास्थ्य बेहतर चाहता है, लेकिन जब स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी, जिला अस्पताल के जो डॉक्टर है वो खुद पानी पर बैठकर ऑपरेशन करने के लिए मजबूर होंगे, पूरे तरीके से जो मरीज है जो एम्बुलेंस है वो पानी में डूबी रहेंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होता होगा महोबा में। बहरहाल जो जनप्रतिनिधि है उनको चाहिए कि इस मामले में पूरी तरीके से सक्रिय रहे, अगर कोई शिकायत उनके सामने आई है तो उस पर अमल करें, ना कि उस पर दो साल ऊपर का काम किया जाए। बहरहाल तो साफ है कि महोबा में जो स्वास्थ्य सेवा है वो पूरी तरीके से बदहाल है, जहां डॉक्टरों की निहायत कमी है महोबा के जिला अस्पताल में। इसके अलावा और जो बिल्कुल इरफान, जिस तरह से जिम्मेदारों का रवैया निकलकर सामने आता है ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधा या बाकी सुविधा जो भी मिलती है आमजन या गरीब लोगों को किस तरह से उनको मिलती होगी या फिर क्या कुछ हाल होगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये महोबा की तस्वीर, महोबा के जिला अस्पताल पानी में डूबा हुआ है, पूरे अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और आपको बता दें कि इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने किया, तब जाकर प्रशासन की टूटी और डीएम ने बरसते पानी में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, लेकिन अभी भी हालात जो उसके तस नजर आ रहे हैं।